तो यार जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास बोट रॉकर 333। तो यार बोट पता नहीं क्या कर रहा है, पहले उन लोगों ने लॉन्च किया बोट रॉकर 335, फिर उन लोगों ने लॉन्च किया आपको बोट रॉकर 330, और यार अब यहाँ पे आपको बोट रॉकर 333। तो यार चलिए हम लोग करेंगे आज की इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग के साथ फुल रिव्यू। और यार अगर आपको वीडियो पसंद आती तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो यार उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो यार चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार आप यहाँ पे अनबॉक्स देख सकते हो कि आपको यहाँ पे मिलती है रॉकर 330 के साथ ही आपको यहाँ पे एसएफ चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि अगर आप इसको 10 मिनट चार्ज करते हो तो आपको 10 घंटे की प्लेबैक टाइम देने वाली है, जैसा कि हमें बोर्ड के हर ईयरफोन्स में देखने के लिए मिल रहा है इधर को। और यहाँ पे आपको अप टू 30 आवर्स तक आपको प्लेबैक टाइम देने वाला है, साथ ही आपको यहाँ पे बोर्ड की सिग्नेचर साउंड मिलने वाली है, जो कि हमें हर एक बोर्ड के ईयरफोन्स में मिलते हैं, चाहे वो वायर्ड हो या आपको वायरलेस। तो यार बॉक्स को ओपन करते ही हमें दिखता है यहाँ पे बोट रॉकर अपना 333, जिसको हम लोग बाहर निकालते हैं। तो यार मुझे लगता है ये सेम टू सेम बोट रॉकर है, पूरी 335 और 330 की तरह इनका डिजाइन होने वाला है। और हमें बॉक्स कंटेंट रखने के लिए मिलता है आपको बोट हेड, साथ ही कुछ ईयर टिप जिसको मैंने पहले ही खा रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टाइप सी केबल मिलती है, टाइप ए टू सी, और साथ ही यहाँ पे कुछ ईयर टिप्स जिसको हम लोग रखते हैं साइड में, और कुछ बॉक्स कंटेंट जिसको हम लोग रखते हैं साइड में, वारंटी कार्ड एंड यूजर मैनुअल। तो यार बात करेंगे इसके बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ब्लू कलर में और भी कलर ऑप्शन अवेलेबल है, आप परचेस कर सकते हो, बट मैंने इसको ब्लू कलर में परचेस किया है। तो यार बात करेंगे इसके बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की, तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन मेरे को सेम टू सेम लगा बोट रॉकर 330 और आपके यहाँ पे 335 की तरह, जो कि मुझे लगता है अगर आप बोट के कुछ वायर ईयरफोन यूज किए होंगे जस्ट लाइक आपको बोट बैसेट्स 152 और 172, तो उन्हीं की तरह आपको वायर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वायर थोड़ी सी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देने की कोशिश की गई है मेरे ख्याल से, बट मेरे को ठीक ठाक वायर लगा, बट थोड़ा सा आपको खरा टाइप है मेरे ख्याल से। तो अगर बात करेंगे आपको यहाँ पे नेकमैंड के बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की, तो हाँ सिलिकॉन मटेरियल का बना हुआ है पहले की तरह ही, मुझे लगता है काफ़ी सॉफ्ट है, आप इसको फोल्ड करके पॉकेट में डाल सकते हो मुझे लगता है, तो बिल्ड क्वालिटी ठीक है, काफ़ी अच्छी है मेरे को लगा। बाकी आपको मिलते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में बोर्ड की ब्रांडिंग। बात करेंगे इसके राइट साइड की, तो राइट साइड में देखने को मिलता है हमें एक MFI बटन, जो कि आप कॉल को रिसीव और कट कर सकते हो, साथ ही पावर ऑन ऑफ कर सकते हो इसको, और साथ ही गूगल असिस्टेंट को भी मुझे लगता है ऑपरेट कर सकते हो आप इससे। और बात करेंगे इसकी वॉल्यूम रॉकर्स की, तो वॉल्यूम रॉकर्स में हमें मिलता है यहाँ पे अंदर की ओर, जो कि आपका वॉल्यूम अप और डाउन है, साथ ही आप इससे म्यूजिक को प्रीवियस और नेक्स्ट कर सकते हो। और यहाँ पे माइक और इसकी LED इंडिकेटर दोनों साथ में देखने के लिए मिलते हैं आप यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हो। और बाकी दोस्तों बात करेंगे इसके ईयरबड्स की, तो इसके ईयरबड्स में लगे हुए आपको 10 mm के ड्राइवर, जो कि काफ़ी अच्छा बेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ट्रैवल भी काफ़ी अच्छा आपको देखने के लिए मिलता है। मैं दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे इसके साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी मेरे को यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा, जैसा कि पहले आपको बोट रॉकर 335 आ रहा था उसके साउंड काफ़ी चुपते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसके साउंड आपको बैलेंस देखने के लिए मिलते हैं, 10 mm का ड्राइवर्स है तो आपको बेस भी काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पर मिल जाता है। अब दोस्तों बात कर लेंगे इसके बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप आपको कंपनी क्लेम करती है 30 घंटे की, बट यहाँ पे रियल में आप इसे 24 से 25 घंटे आप प्ले कर सकते हो, कोई भी इशू आपको नहीं आने वाला है। और यार अब बात कर लेंगे इसकी थोड़ी सी आपको कॉल क्वालिटी की, तो यार उसके लिए हम लोग कॉल क्वालिटी चलिए टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आपको इसका कॉल क्वालिटी कैसा निकल के आता है। सर अभी जो आपको आवाज़ आ रही है वो बोट रॉकर 333 के माइक्रोफोन द्वारा आ रही है, तो आप मेरे को जेट करके बताओ कि आपको इसके माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसे मिल रही है, और इसी तरह नॉइज को कैंसिल कर पा रहा है, और आपको नॉइज को कैप्चर कर पा रहा है, तो यार ये सुना आपने इसका कॉल क्वालिटी टेस्ट, आप मेरे को बताओ कि आपको उसकी कॉल की क्वालिटी कैसी लगी है। और इसका जो मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है कि आपको इसका जो मतलब बोर्ड का जो बिल्ड क्वालिटी रहता है काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मेटल बिल्ड देखने के लिए मिलता है, बाकी सब में आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने के लिए मिलता है। हाँ आपको हैवी तो फील होता है, बट उतना ज़्यादा फील नहीं होता मेरे ख्याल से। यहाँ पे ईयरबड्स भी आपको यहाँ पे मेटल का दिए जाते हैं, तो मेरे को इनके ईयरबड्स भी काफ़ी अच्छे लगते हैं बोट के। और दोस्तों बात करेंगे इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग आपको इसकी 1300 रुपीज़ रखी गई, जो कि मुझे लगता है इफेक्टिव प्राइस है, 1300 रुपीज़ में आपको काफ़ी अच्छा मतलब कि क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे बैटरी बैकअप भी प्रोवाइड करते हैं। बट यहाँ पे बात करेंगे आपको लास्ट चीज़ गेमिंग की, तो मैं कहूँगा आपको इससे गेमिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ थोड़ी सी लेटेंसी देखने के लिए मिलती है, तो अगर आप इससे गेमिंग नहीं कर सकते हो मैं आपको गेमिंग के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी ओवरऑल बढ़िया है, आप इसको मतलब परचेस कर सकते हो 1300 रुपीज़ में, काफ़ी अच्छा ईयरफोन है आपको बोट रॉकर 333। बट यार मैं कोशिश करूँगा इसको कंपेरिजन करने की आपको बोट रॉकर 330 और 335 के साथ। और यार अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो मैं आपको बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो, ताकि आप मुझे थोड़ी सपोर्ट कर सको, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से परचेस कर सकते हो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो। बट तो यार चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो बेल आइकन से प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो यार उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो यार वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।